हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम करेंगे जो कि स्टेट द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। किसी भी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल होता है, उसके बारे में हमारा ये लेक्चर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। साथ ही साथ बता दूं कि नोट्स अवेलेबल है हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर जो कि 8101065300। आपको फोन नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो भी सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। नाउ, सो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलोज। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सो दे मोबिलाइज रिसोर्सेज व्हिच अदरवाइज वुड रिमेन आइडल, अर्न मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ रेंट सच एज इंटरेस्ट टू द कैपिटल, सैलरीज एंड वेजेस टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, रेंट टू द इनपुट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे सिंपली बात बोली गई कि इस दुनिया में हमारे खासकर किसी भी देश में है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, चुपचाप वो पड़ा हुआ रहता है। कई लोग कचड़े का इस्तेमाल करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, कचड़े का इस्तेमाल करके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसको पता होगा कि कचड़े का इस्तेमाल करके आप एक मिलेनियर या फिर बिलेनियर बन सकते हो? लेकिन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा लोग करते हैं। उसके लिए आपके दिमाग में बस एक आइडियाज होने चाहिए, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है कि जो भी आपकी कंट्री में, जो भी आपके वर्ल्ड में, जो जहां पर भी जो आइडल रिसोर्सेज पड़े हुए, ऐसे रिसोर्सेज जो कि जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कि उसको उस तरीके से इस्तेमाल करके करोड़ों कमाए जा सकते हैं, वो उन चीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो उस चीज में डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करेंगे, पैसे कमाएंगे, पैसे कमा करके लोगों को देंगे। लोगों को कैसे देंगे? अब देखो जहां पे भी वो अपना ऑफिस करेंगे, वो रेंट पे ऑफिस लेंगे स्टार्टिंग में, तो वो पैसे उतने लगा नहीं सकते, तो वहां पे ऐसा रेंट जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब देंगे, सैलरी देंगे। अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छा एंटरप्राइज बन जाता है, तो वहां पे लोगों को हायर किया जाता है, वहां पे उनको सैलरी वगैरह दी जाती है, तो वहां उनको सैलरी एंड वेजेस मिलती है। तो एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं एंड उनका घर भी चलाते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक तरीके से कंट्री के लिए वो एक तरीके से क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का काम करते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बताया, दूसरा पॉइंट में भी वही है कि एंटरप्रेन्योर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप व्हाइल एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग देयर एंटरप्राइज जनरेटिंग एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन द सोसाइटी, है ना। तो सोसाइटी में रह रहे पीपल्स के लिए, लोगों के लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे जो है नौकरी मिल पाती है। और जो मेन प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, तकरीबन अभी 12 या 13% के आसपास एम्प्लॉयमेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसको अगर हम लोगों को दूर करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ भरोसा करने से नहीं होगा, आपको साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, आपको खुद से बिजनेस में उतरना होगा, आपको बिजनेस करना होगा। हमारी सबकी मानसिकता अगर ऐसी होगी कि हमें जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही लिमिटेड है, हमें एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक टाइम पे ऐसा होगा जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही मिनिमल होगी, जैसे अमेरिका में गवर्नमेंट जॉब बहुत मिनिमल है, लेकिन हर एक सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स की भरमार है। तो वही उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी प्राइवेट जॉब्स की बहुत ज्यादा भरमार होने वाली है आने वाले समय में। सो इट्स बेटर कि आप सिर्फ गवर्नमेंट के चक्कर में ना बैठे, बल्कि आप अपना प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट बिजनेस या प्राइवेट जॉब आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप लोकेट देयर बिजनेस इवन इन रिमोट एंड लेस डेवलप्ड एरियाज, दिस लीड्स टू ग्रोथ इन द इंडस्ट्री एंड अदर बिजनेस व्हिच फर्दर ब्रिंग्स इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होल्ड्स एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये बोला गया कि एंटरप्रेन्योरशिप जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, देखो उनके पास पैसे ज्यादा होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने काम को थोड़ा दूर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी रिमोट लोकेशन पर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा रेंट का खर्चा या अलग अलग तरीके का खर्चा जो है वहाँ पे उनको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, याद रखना है जो जब भी कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, तो उसी बिजनेस के साथ साथ जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, एयरपोर्ट्स, रेल, रोड्स, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे बनने लगती है। तो कोई भी बिजनेस जो है एक तरीके से इन सारी चीजों को क्रिएट करवाता है अपने इलाके में, जहां पर भी वो बिजनेस फल फूल रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है दिस इज व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज कॉल्ड ग्रोथ एक्सेलरेटर। अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए, अगर आपको ग्रोथ करना है तो आप बिजनेस को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि उसके आसपास के लोग ऑटोमेटिक लाइक वहां पे चीजें होने लगेंगी। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ
कैलकाटा में सपोज कोई एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, बहुत ही रिमोट लोकेशन में स्टार्ट हुआ, तो जो लोग वहां पे काम करने के लिए जा रहे हैं उनको खाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे कैंटीन खुलने स्टार्ट होंगे। अब जो लोग वहां काम करने के लिए जा रहे हैं 5-6 घंटे बस का सफर करके जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि क्यों ना मैं उसके आसपास में ही कहीं घर ले लूं, तो वहां घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो, वहां मार्केट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप घर लोगे तो बच्चों को पढ़ाने का झमेला है, तो आप 6 घंटे वापस आया करके तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो वहां स्कूल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। नाउ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही ज्यादा है। एंटरप्राइजेस स्पेशली एमएसएमईज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, मोर बिजनेस यूनिट्स यूज मोर रिसोर्सेज, रिजल्टेंटली नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, एंटरप्राइज जो है, खासकर एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा, मीडियम स्मॉल एंड जो सेक्टर है हमारा, वो सिग्निफिकेंटली इंडिया के ग्रोथ में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, बहुत ज्यादा उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा बिजनेस यहाँ पे खुलेगी, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी साथ ही साथ बढ़ेगी, ठीक है ना। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डेफिनेटली अगर बिजनेसेस आएंगे, लोग अगर काम करने लगेंगे, लोगों के पास पैसा आने लगेंगे, तो पैसा ही एक्चुअली हर चीज का सॉल्व किया जाता है। पैसा ही एक ऐसा चीज है जिससे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है। तो आपके पास अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, अगर आप न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना नहीं खा रहे हो, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आपको काम करना होगा, और काम आपको तभी मिलेगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो काम है वो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप का भी है, है ना। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो बाय ब्रिंगिंग इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप मेक ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो इनोवेशन को लाकर के एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया है, जहां पे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की, ऑटोमेटिकली वो बढ़ रही है। आपके पास सैलरी आएगी, आप डेफिनेटली अच्छे किस्म का चावल खाओगे, अच्छे किस्म के कपड़े पहनोगे, क्वालिटी कपड़े पहनोगे, है ना, इस तरह की चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन सर्विसेज आर सो लेस दैट ईच एंड एवरी हाउस होल्ड irrespective of their economic status is using mobile phone service nowadays which was affordable nearly 2 decades ago, है ना। तो अभी के टाइम पर जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल फोन सर्विसेज बहुत ही सस्ती हैं, तो जब सस्ती हो गई है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कितना भी गरीब आदमी क्यों ना, उसके पास एक एंड्रॉइड फोन होता ही है, और जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सीख सकता है, है ना। जैसे टिकटॉक का जमाना था, जब टिकटॉक आया था तो उस टाइम पे कितने सारे लोगों ने मिलेनियर्स बन गए थे, बिलेनियर्स बन गए थे, जस्ट बिकॉज कि वो लिपसिंग करते थे या वीडियोस वगैरह बनाते थे। तो जब टेक्नोलॉजी सामने आती है, जब टेक्नोलॉजी का साथ मिलता है आपको, तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट होता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो डेफिनेटली अगर एंटरप्रेन्योर्स आएंगे तो वो डेफिनेटली बिजनेस को बढ़ाएंगे, जब बिजनेस बड़े हो जाएंगे तो वो अपने बिजनेसेस को इंडिया के बियॉन्ड लेकर के जाने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री के बियॉन्ड ले जाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा है कि अभी पूरा का पूरा दुनिया ही एक मार्केट है हमारे लिए। पहले हमारा शहर मार्केट होता था, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट, फिर हमारा जिला, फिर पूरा इंडिया, लेकिन अभी के टाइम पे पूरी दुनिया ही हमारा मार्केट है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप अपने सामान को बेच सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, राइट। इसीलिए पूरी दुनिया को ही एक तरीके से मार्केट बोला जा रहा है। नाउ इन द इवेंट ऑफ गेटिंग एक्सेस टू द बिगर मार्केट, एंटरप्राइजेस क्रॉस बाउंड्रीज व्हेन दे फील दैट डोमेस्टिक मार्केट इज कवर्ड एंड सैचुरेटेड एंड दे वांट टू एक्सपेंड फर्दर, है ना। जब इस तरीके से चीजें लोगों के सामने आती है कि पूरी दुनिया मार्केट है, तो हमें पूरे मार्केट को सर्व करना है, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हो एज पर देयर डिमांड डेफिनेटली। उससे क्या होता है कि जो आपका बिजनेस है वो आपका सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं रह जाता, बल्कि वो धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाता है, और आप बाहर भी जाकर के इतना एक पहचान बना पाते हो। जैसे कि आपने बाहर के बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया में देखे होंगे, रीबॉक है, नाइकी है, मैं शूज के ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कपड़ों में बात करें तो आपका गुची का काफी फेमस है, इसके अलावा जॉन प्लेयर्स हो गए, या फिर जो अलग अलग कंपनीज हैं जो बाहर की कंपनीज है लेकिन इंडिया में आकर के बिजनेस कर रही हैं, समझ रहे हो। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा पा रही है, वो बढ़ा इसलिए भी पा रही है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ हमारा जो भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके कारण से। तो एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा देता है। दे मेक देयर रीच इन फॉरेन मार्केट, वो अपना रीच बनाते हैं फॉरेन मार्केट में, दिस इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, और इसी कारण से जो कंट्री का एक्सपोर्ट है वो बढ़ पाता है, ठीक है। तो ये हमारा रोल था एक एंटरप्रेन्योरशिप का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कहना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लें, बहुत ही सस्ते दामों पे अभी नोट्स दिए जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द हमें एक पेड सर्विस भी स्टार्ट करूंगा जहां पे पेड क्लासेस की जाएंगी बाई फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी बीकॉम एंड एमकॉम के हैं। एमकॉम की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, बीकॉम के स्टार्ट कर दी जाएंगी बहुत ही जल्द,
तो आई होप कि आप उस पर पार्टिसिपेट करेंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।